वज़ीर-ए-आला पंजाब के तकर्रुर का मामला, दो खिलाड़ी वज़ारत-ए-आला की दौड़ से आउट। फवाद चौधरी और राय मुर्तज़ा ने कप्तान की हिदायत पर कौमी असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठा लिया। इसी हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर ने लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? आज वज़ीर-ए-आला पंजाब की दौड़ में जो दो बड़े खिलाड़ियों का नाम लिया जा रहा था, उनमें एक मस्जिद अदनान फवाद चौधरी थे और एक चीचा वतनी से रुकन असेंबली जो मुंतखब हुए राय मुर्तज़ा, ये कौमी असेंबली पे भी मुंतखब हुए दोनों और दोनों ही सूबाई असेंबली पे भी मुंतखब हुए थे। ताहम आज दोनों ने जो है कौमी असेंबली में हल्फ उठा लिया, जिसके बाद ये दोनों फवाद चौधरी और राय मुर्तज़ा इकबाल जो है वो इस वज़ीर-ए-आला की दौड़ से आउट हो गए हैं और अब इनकी पंजाब असेंबली में खाली करदा नशस्तों पर जमीन इंतखाब होंगे। और यूं कहें कि जो वज़ीर-ए-आला की रेस में दो सीनियर्स, एक यंग और एक सीनियर फवाद चौधरी का नाम लिया जा रहा था, अब ये वज़ीर-ए-आला पंजाब के तकर्रुर के मामले में जो एक मजबूत उम्मीदवार थे उस दौर से बाहर हो गए हैं। जी ठीक है। लियाकत अंसारी, ये भी बताएगा 15 अगस्त को जो इजलास होने जा रहा है, इस हवाले से। आज बिल्कुल पंजाब असेंबली का 15 अगस्त को इजलास होने जा रहा है, जिसमें 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे और हल्फ के बाद जो है वो स्पीकर जो है वो अगले दिन के इजलास की कार्रवाई का ऐलान करेंगे। अभी तक जो है वो 16 अगस्त को जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल मुरतब किया गया है और गालिब इम्कान यही है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब के तकर्रुर के लिए जो है वो अभी बाज़ाब्ता जो है वो शेड्यूल तो जारी नहीं किया गया, लेकिन असेंबली ज़राए ये बता रहे हैं कि चूंकि 18 अगस्त को इमरान खान के हलफ की तकरीब होनी है, तो इसलिए ये इस बात पर गौर किया जा रहा है कि 19 अगस्त को वज़ीर-ए-आला पंजाब का असेंबली में इंतखाब करवाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी।